प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं एस कुमार, मनोज आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल उत्तर लेखन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। यह आईएएस मेंस के लिए जो है प्रश्न उत्तर सीरीज चल रहा है, और इसमें हमने पहले भी कई सारे प्रश्न कराए हैं, और यह आगे तक की लंबी श्रृंखला है। तो इसका आनंद आप सभी लोगों को मिल रहा है, जैसा कि आप लोग लगातार लाइक कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं, और कि सर जो है इस तरह के क्वेश्चन लेके आइए, लगातार हम उस चीज को फॉलो अप कर रहे हैं और आपको उसका लाभ मिल रहा है। तो आइए इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस प्रश्न के साथ बात को बढ़ाते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न, किसानों की बात हो रही थी पिछले लेसन में भी, और आगे भी हम इसी में बात कर रहे हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान, किसानों की समस्याओं का समाधान एक शब्द है, बहुत ध्यान से देखिएगा, संविदा कृषि। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहां पर डार्क करता हूं इसको थोड़ा, और क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। संविदा कृषि नया टर्म है, समझने वाला टर्म है। संविदा कृषि क्या है जो किसानों की समस्या है? क्या संविदा कृषि से इस समस्या को हम दूर कर पाएंगे? आइए इस पर बात करता हूं और समझाता हूं कि संविदा कृषि क्या है। कथन का प्रेक्षण कीजिए, यह हमारे सामने प्रश्न है। ठीक, आप देख सकते हैं प्रश्न संघ एवं उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न, प्रश्न में अर्थव्यवस्था खंड के कृषि विभाग से लिया गया है। आप प्रश्न पर थोड़ा विचार कर लें। प्रश्न, किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु संविदा कृषि के विकल्प के चयन के परीक्षण से सरोकार रखता है। प्रश्न में परीक्षण करने का तात्पर्य इस बात से है कि क्या संविदा कृषि केवल लाभ ही लाभ है, या यह किसानों के लिए एक जोखिम पूर्ण भी है। ठीक, पहले समझना पड़ेगा कि संविदा कृषि है क्या, ये किस कृषि की बात की जा रही है, इसमें नया क्या है। मैं आपको बताऊं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पूंजी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी क्षेत्र में। अगर आपको खेती करनी है तो आपको अच्छी क्वालिटी का बीज चाहिए, अच्छी क्वालिटी का खाद चाहिए, अच्छी क्वालिटी के आपके पास संयंत्र होने चाहिए, ठीक है, अच्छी प्रकार से सिंचाई के साधन होने चाहिए, ठीक है, प्रकृति अनुकूल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं करेंगे कि खेत में केसर उगा देंगे, केसर उगाना है तो कश्मीर ही जाना पड़ेगा, ठीक है, -4 डिग्री टेम्परेचर के नीचे के टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा, समझिएगा इस चीज को। तो प्रकृति अनुकूल भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि हम चावल की खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, बाजरे की खेती कर रहे हैं, जौ की खेती कर रहे हैं, चने की खेती कर रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, जो भी कृषि कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कृषि कार्यक्रम में कृषि संविदा क्या है, कैसे हमारे लिए पैसा लगाएगा, कौन कौन सी कारपोरेट जगत आने वाली है और वह पूरी जिम्मेदारी उठा लेगी। घबराओ मत, चलो कितना पैसा लगेगा, घबराओ मत, तुम तुम्हारी फसल तैयार है, बिल्कुल मत घबराओ, पूरा उचित मूल्य यहीं पर तुमको खेत में दे देंगे। आया मजा, खेत में ही पूरा पैसा मिल जाएगा। अरे वो गांव ना तुलसी की खेती करेंगे भाई, एलोवेरा की खेती करेंगे, देश को स्वास्थ्य देंगे। कौन देगा? किसान ही देगा। और किसान को कौन प्रोत्साहित करेगा? कॉरपोरेट जगत जो है उसको सहयोग करेगा, सरकार सहयोग करेगी, बिचौलियों को खत्म कर दिया जाएगा। कृषि संविदा में समझिएगा, बिचौलिए खत्म, दलाल खत्म, जिसने मेहनत किया है उसके पास राइट है अपनी चीज को अपने आधार पर बेचने का। यह मार्कर अगर कंपनी तय करती है कि यह 10 रुपए का मार्कर है तो 10 में बिक रहा है, और 100 रुपया का मार्कर 100 रुपये बिक रहा है। लेकिन क्या किसान अपने गेहूं का मूल्य तय नहीं कर सकता है? किसान कहेगा कि 100 रुपया किलो गेहूं बेचेंगे और 100 रुपया बिकना चाहिए, समझे, वो तो तय करता है कि समर्थन मूल्य क्या है, सरकार क्या कर रही है। मतलब अगर लागत हमारी कुछ भी लगे, लेकिन समर्थन मूल्य जो आएगा उसी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। नहीं, ये सब बात हट जानी चाहिए, हम खुद तय करेंगे कि हाँ हमारा इतना रेट होना चाहिए भाई। और आइए अब बात करिए, ये सारी चीजें क्या क्या जो है संविदा कृषि इसका हल है, आइए इस बात को हम समझते हैं एक एक करके। संविदा कृषि फसलों के विपणन की एक रीति है, फसलों के विपणन की एक रीति है, जिसके अंतर्गत किसानों और विपणन प्रतिष्ठान के बीच फसल के मूल्य और किसानों को होने वाले भुगतान से संबंधित शर्तों का निर्धारण पहले ही कर लिया जाता है। शुरू में ही बात हो गई, बाद में कोई बात नहीं, और जो बात हो गई ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक बात, औपचारिक बात नहीं करनी है, लिखित बात करो, पूरा एग्रीमेंट बनवा के बात करो, तय कर लो, ऐसा नहीं कि बातों बातों में कर लिया, एडवांस पैसा ले लो तब जाके काम करो।
इस प्रणाली के तहत वर्तमान में कुछ प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब आदि में संविदा कृषि की जा रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चीजें शुरू हो चुकी हैं। इसके कारण इन प्रदेशों में किसानों को एक तरफ उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है और दूसरी तरफ उन्हें अतिरिक्त कीमत जोखिम की सुरक्षा भी प्राप्त हो रही है। जो उनका पैसा लगा है, जो डूबने की सुरक्षा है वो नहीं है। अगला बंदा तय कर लिया, भैया फसल उत्पादित होगी तो मैं ले जाऊंगा, और अगर फसल बर्बाद हो गई तो इंश्योरेंस कर रखा है, इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को देगी, वो भी नहीं डूब रहा है। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि कारपोरेट जगत बहुत उसी आ रहा है। तय कर लिया किसान से, किसान को पैसा देना शुरू किया, हाँ उसको भी किसान से थोड़ा सा जो है मार्केट से सस्ता मिल सकता है, तो उसको भी लाभ है, उसको जोखिम नहीं है क्योंकि वो इंश्योरेंस करा के बैठा हुआ है, और किसान ही बच गया क्योंकि उसको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। यह है संविदा कृषि। तो हम बात यहां पे कर रहे थे, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि में संविदा कृषि की जा रही है। इसके कारण इन प्रदेशों में किसानों को एक तरफ उनकी उपज का बेहतर कीमत मिल रहा है तो दूसरी तरफ वह जोखिम से भी बच जा रहे हैं, जोखिम से भी सुरक्षा प्राप्त हो रही है। इसी की दृष्टिगत किसानों को लाभ दिलाने तथा उन्हें मानसून की अनियमितता, इस बात को समझिएगा, कीमत जोखिम आदि के कारणों से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में संविदा किसी को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। कई बार फसलें बर्बाद हो जाती हैं प्राकृतिक रीजंस के कारण, उन सब चीजों से अब डरने की बात नहीं है। देखा जा रहा है संविदा कृषि के विभिन्न लाभों को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। आइए एक एक पॉइंट पर मैं आपसे बात करता हूं। पहला पॉइंट देखिएगा भैया, इस पद्धति के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, इस पद्धति के अंतर्गत क्या होने वाला है, किसान और विपणन कंपनियों के मध्य सीधे संविदा होने के कारण बिचौलियों की समाप्ति हो जाती है। यह बात मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। संविदा किसी का यह पहला पॉइंट है, बिचौलिया खत्म, सीधा ये कंपनी ये आप, अब बात कर लो भैया। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हां, हो सकता है कि पहली बार आपको टर्म कंडीशन में दिक्कत हो सकता है कंपनी आपको बाहर करा ले, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा आपको जागरूक रहना है, तो आपको घबराने की बात नहीं। दूसरी बार तो आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे समुदाय कृषि में, तो ये चीज समझिएगा। जिसका सीधा लाभ किसको मिलेगा, जो भी लाभ आएगा किसको मिलेगा, किसानों को। मेहनत मैंने किया, मेरे को पैसा दो भाई। इस प्रणाली के तहत किसानों से प्रत्यक्ष और अथवा उनके समूहों से समझौता किया जा सकता है। इस बात को समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, कोई हम मान लीजिए वहां पर जो है सूर्यमुखी की खेती करना चाहते हैं, हमारे पास कोई बड़ा लाभ आ गया, लेकिन मेरे पास केवल 20 बीघा जमीन है, लेकिन उन्हें 200 बीघे जमीन का चाहिए, तो मेरे अकेले बस की बात तो है नहीं। तो किसानों का समूह बात करेगा, ठीक है आपको हम 200 बीघे में जो है सूर्यमुखी उगा करके देंगे, अब बताइए कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, सारी चीजों पर डिस्कस करिए, कितना सिक्योर है। उसके बाद सब लोगों ने क्या किया, सूर्यमुखी का खेती कर दिया। लो भाई, लो सूर्यमुखी, तुमने तय कर रखा है, लो सूर्यमुखी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें हैं, इस प्रणाली के तहत किसानों के प्रत्यक्ष में समूहों में समझौता किया जाता है। इस तरह किसानों में एक संगठनात्मक स्वरूप प्राप्त हो जाता है, जिसका उपयोग किसान अपने ही संवर्धन हेतु कर सकता है। इस बात को समझिएगा, वेलफेयर है किसान का, उसका हित है, पैसा उसके पास आ रहा है ना, सब समूह का आ रहा है ना, सारे किसानों का विकास हो रहा है। आइए और देखते हैं बच्चों, इसमें अगला पॉइंट क्या है। अन्य व्यवसायों में उत्पादन के मूल्य का निर्धारण उनके उत्पादकों द्वारा किया जाता है, परंतु किसी क्षेत्र में यह व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि अगर ये मार्कर है तो ये कितने रुपए का है, ये पहले से डिसाइड है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर किसानों के साथ ऐसा नहीं है। तो वो संविदा किसी से भी आ जाएगी तो यह मूल्य निर्धारण करने का अवसर किसान को मिलेगा। किसान भी कहेगा नहीं नहीं भाई, इतना पैसा होना चाहिए, इससे कम में नहीं, तभी हम खेती करेंगे, क्योंकि बात तो पहले की जा रही है। इस प्रणाली के अंतर्गत बढ़ती कंपनियां को किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क में होने के कारण किसान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ जाता है। इस पॉइंट को जरा समझिएगा, कैसे एक किसान वैश्विक श्रृंखला से जुड़ गया, पूरे विश्व से जुड़ गया। एक गांव में बैठा किसान पूरे विश्व अर्थव्यवस्था को कैसे जुड़ा हुआ, इस बात को समझिएगा, क्योंकि जिस कंपनी से वो डील करने जा रहा है वो ग्लोबल कंपनी है, वो कई देशों में फैली हुई कंपनी है। आप सोचिए, आपने रिलायंस से बात कर ली, अब रिलायंस फूड जो है कई जगह जुड़ा हुआ है, यहां से पैदावार करवा करके कई जगह भेजेगा, मेरी बात आप समझिएगा, मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, तो जब पैदावार होगा, कोई भी चीज आपने कोई औषधि उपचार कर दिया, आप देखिए भारत ने पूरे विश्व को मेडिसिन बेचने की बात कर दी, क्लोरोफ्लोरोक्विन पूरा भेजा गया अमेरिका, अन्य पता नहीं कितने राष्ट्रों को हमने भेजा मलेरिया की दवाई, तो
इस बात को आप समझिएगा, जब हमारे पास संसाधन है तो ग्लोबलाइजेशन तो आजकल दौर ही ग्लोबलाइजेशन का है, लेकिन यहां पर सीधा कैसे जुड़ गया, क्योंकि वह मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कंपनी उसको कर करके जहां जहां जुड़ी उस प्रोडक्ट को क्या कर रही है, बेच रही है। तो एक किसान क्या हो गया, पूरे विश्व की इकोनॉमी को संभाल रहा है, वही बात मैं बता रहा हूं। इस प्रणाली के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों का किसानों से प्रति संपर्क होने के कारण किसानों का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ाव बढ़ता है। आप देख सकते हैं हमने यहां बोल्ड करके लिखा हुआ, जिसका प्रत्यक्ष लाभ कृषकों को प्राप्त होता है। इसका सीधा लाभ किसको मिलेगा भाई, जितना डिमांड आएगा उतना सप्लाई बढ़ेगी, उतना आप समझ रहे हैं इकोनॉमी तो इसी पे चलती है, डिमांड एंड सप्लाई पर। अगर कोई चीज ग्लोबल रूप में जाएगी तो जो प्रोडक्शन करेगा उसको तो उसका लाभ मिलेगा ही। जैसे आज अगर हम वैक्सीन की बात करें, कोरोना की वैक्सीन अगर आ गई और हो सकता है किसान की किसी फसल से आ जाए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आज रातों रात किसान क्या हो जाएगा, अरबपति बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं बात, तो ये मैं कह रहा हूं। इस प्रणाली के माध्यम से कृषि में निजी निवेश बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ में आएगा, निजी निवेश बढ़ा है कि नहीं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे कृषि और संरचना का विकास होता है। संविदा कृषि के अंतर्गत किसानों की उपज का मूल्य निर्धारण पहले हो जाने का जोखिम से भी सुरक्षा मिल जाएगी, कोई जोखिम नहीं है, पता है यार इस साल इतना पैसा आना ही है। विशिष्ट उत्पादों जैसे तुलसी, एलोवेरा, आंवला इत्यादि के उत्पादन के संबंध में विपणन कंपनियां किसानों से संविदा कर रही हैं, जिनके कारण जहां किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें ऐसे उत्पादों के उत्पादन में विशिष्ट कुशलता प्रदान भी हो रही है। मैं आपको इस पर एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, बिजनौर की घटना, यूपी के, मुसली उत्पादन करवाया गया एक कंपनी के द्वारा, मुसली उत्पादन करवाया गया, उसको लोग औषधि के रूप में करते थे। अब क्या हुआ, कंपनी कुछ समय तक तो वहां पर, लेकिन फिर कंपनी चली गई। एक किसान ने मुसली उत्पादन कर दिया और बहुत लाभ भी हुआ लोगों को वहां पर, और मुसली लेकर के वह जो है फिर क्या किया, मुसली कौन खरीदेगा, मुसली तो जो है कंपनी तो चली गई, उसको जो है राष्ट्रीय मार्केट का पता नहीं है, लोकल व्यक्ति है, छोटा काश्तकार है, सोचा कि मेरी मुसली उगेगी और मेरे को इतना पैसा हो जाएगा। अब समस्या क्या हुई, वो मुसली लेकर बैठा हुआ है और आते जाते लोग उसे कह रहे हैं मुसली लो, मुसली लो, मुसली लो, और मुसली किसी को जानकारी नहीं है कि मुसली का उपयोग कैसे करना है, किस तरह से उसका औषधि उपयोग करना है, तो कौन मुसली खरीदेगा, सुबह शाम हो गई मुसली नहीं बिकी। तो ये भी एक समस्या है, इसलिए मैंने क्या कहा कि यहां पर जनता समस्या क्या हो गई, यहां पे जो है औपचारिकता की गई थी, कोई उसके पास रिटेन में नहीं कंपनी के साथ में था, कंपनी आई उसने कहा आप उत्पादन करो हम खरीदेंगे, और कंपनी ने खरीदा भी और लाभ भी पहुंचाया। मैं आपको एक समझा कृषि का एक बहुत व्यवहारिक, इसलिए किसान को यहां पर सजग रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही समस्या हो जाएगी, ले लो मुसली, ले लो तुलसी, अब तुलसी क्या करेंगे लोग गांव में, इस बार बुखार कितना आएगा, अरे भाई उस जिसका आप कॉमर्शियलाइजेशन करना है उसका आप क्या कर पाएंगे, कौन तुलसी खरीदता है गांव में, सबके घर में तुलसी लगा हुआ है, तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन कॉमर्शियलाइजेशन करना है औषधि के रूप में करना है, तो जिसने कहा उपजाऊ करने के लिए वो उसके साथ हमारा प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो संविदा कृषि के अंतर्गत किसानों की उपज मूल्य निर्धारण से पहले हो जाने का ऐसा पॉइंट हो गया, तुलसी, एलोवेरा, आंवला आदि उत्पादन के संबंध में विपणन कंपनियां किसानों से संविदा कर रहे हैं, जिसके कारण उन जहां किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें ऐसे उत्पादों के उत्पादन में विशिष्ट कुशलता भी प्राप्त हो रही है। जब आप एक बार किसी भी फसल को पैदा कर लेते हैं तो आप उसके बाद आपके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाता है, आप दोबारा से उसको कर सकते हैं, उसमें और अच्छे से आप करेंगे, तो वही बात कही गई है। ठीक है, यद्यपि संविदा कृषि में अनेक लाभ है तथापि इसमें अनेक चुनौतियां भी दृष्टिगोचर होती हैं, आइए उस बात को देखते हैं, हालांकि हमने पहले ही आपको बता दिया लेकिन फिर भी यहां पर हम बताते हुए चलते हैं। इनके माध्यम से अधिकतर लाभ बड़े किसानों, बड़े फर्मों को होती है, छोटे व सीमांत किसान इनसे अधिक लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, ये तो समस्या है ही। अगर मान लीजिए बड़ा किसान होता है वह डील कर पाता है, छोटे किसान को इसका फायदा नहीं हो पाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत चूंकि किसान कम पढ़े लिखे होते हैं, अतः सुविधा संपन्न कंपनियों द्वारा संविदा के प्रावधानों को अपने हितों के अनुरूप कराए जाने की भी आशंका रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसान डट के उनके सामने बात नहीं करता, बड़ा रिस्पेक्ट करता है कि हाँ चलिए बाहर से आए हैं, शायद हमारे हित की बात करेंगे, चाहे हमारे लिए कुछ अच्छा बोलेंगे, इस आशा में वह है, उसकी उम्मीद है कि जो आया है बंदा वह कुछ तो हमारे लिए अच्छा करेगा, लेकिन ये तो कंपनी है, समझदारी से आपको रहना पड़ेगा। कभी कभी किसान अनौपचारिकता, जो बात मैं आपको बता रहा था कि वह मुसली कैसे बिकेगी, इस बात का ध्यान रखना, संविदा में किया जाता है जिसका फायदा संविदा कंपनियों द्वारा उठाया जा सकता है। बात बात में हो गई कि चलो भैया हम खरीद लेंगे, नहीं उठाया, या बात बात में आप ध्यान रखिएगा उसने कह दिया कि हम भाई इतने पैसे में लेंगे और बाद में कह दिया नहीं नहीं इस बार मार्केट का रेट तो ये है, तो फंस गया ना किसान। संविदा कृषि समवर्ती सूची का विषय है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। मैं आपको बताऊं यहां पर तीन तरह की सूचियां होती, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची जिसमें केंद्र जो है नियम बनाता है, राज्य सूची इसमें राज्य बनाता है। समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र और राज्य मिलकर बनाते हैं, लेकिन अगर कोई बात होती है तो उसमें केंद्र का ही दायित्व होता है।
कृषि जो है वह राज्य सूची का विषय है। अब संविदा कृषि जो आते ही वह किसका हो गया, समवर्ती सूची का विषय हो गया। तो अब समवर्ती सूची होने से इसमें कौन इंटरफेयर करेगा, केंद्र इंटरफेयर करेगा। राज्य क्यों चाहेगा कि कृषि में जो है वह जो है केंद्र को आने दे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये एक जो है ऊपरी लेवल की तानातानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। संविदा कृषि समवर्ती सूची का विषय जबकि कृषि राज्य सूची का विषय, ऐसी स्थिति में राजस्व की हानि के भय से सभी राज्यों में इसके लिए सहमत कर पाना एक बड़ी चुनौती भी हो जाती है। ये आप समझ गए होंगे क्यों चुनौती हो गई, इस बात को समझिए। लेकिन अगर किसान को आगे बढ़ाना है, किसान के लाभ को बात की लाभ की बात की करना है, तो केंद्र को ये कहना चाहिए कि ठीक है जो लाभ आएगा वह सारा हम राज्य को दे देंगे, भाई बढ़ने दो किसानों को, समझ रहा है कि नहीं। ऐसा ना करें ताकि किसान पर कोई, इसको आप देखिएगा डायग्राम के माध्यम से भी यहां पे समझाया गया है, आप इसको देखिए एक एक पॉइंट को हमने लिख दिया है। कृषि संविदा कृषि एवं किसान, हमने यहां पर हेडिंग दिया हुआ है, आप भी डायग्राम बनाइएगा। पक्ष किसानों का लाभ और चुनौतियां, पक्ष किसान, किसान पक्ष में है कि ठीक है उसको लाभ मिल रहा है इसलिए वो पक्ष में है। विपणन प्रतिष्ठान, कंपनियां भी चाहेंगी कि उसको सीधा सीधा मिल रहा है तो वो भी पक्ष में है, आप इस बात को समझिएगा। किसानों का लाभ हमें यहां पर समझना है, किसानों को किस तरह का लाभ हुआ, प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ, सीधा सीधा लाभ, दिखने वाला लाभ और नहीं दिखने वाला लाभ। सीधा सीधा लाभ हुआ, लागत में कमी आ गई, जो लाभ दिख रहा है उसके उसकी लागत में जो पैसा लगने वाला था उसमें कमी आ गई। आय में इनकम बढ़ गया, मूल्य निर्धारण में सहभागिता हो गई, बिचौलियों की समाप्ति हो गई, ये तो सीधा लाभ है। अप्रत्यक्ष लाभ, बृहद बाजार की प्राप्ति, एक बड़े बाजार से जुड़ चुका है। उपज की गुणवत्ता का संवर्धन, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वालिटी वाला जो है पैदा हो रहा है। तकनीकी कुशलता में वृद्धि, जब मल्टीनेशनल कंपनी आए तो बताएगी इसी तरह से उपजाऊ करो, ध्यान रखिएगा टेक्नोलॉजी वृद्धि हो जाएगा। निजी निवेश से अवसंरचना विकास की गति, इस बात को ध्यान रखिएगा, ढांचा बढ़ जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। चुनौतियां क्या क्या है, केवल बड़े किसानों को लाभ मिलेगा, पहला पॉइंट ये देखिएगा। संविदा में हेर फेर की भी संभावना है, इस जो मैं आपको बता रहा था, नहीं तो मुस्लिम फिर फंस जाएगी, कैसे मुस्लिम बिकेगी। अनौपचारिकता संविदा का दुरुपयोग होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक संविदा का दुरुपयोग भी हो जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन के चक्कर मत पड़िएगा। राज्यों की इच्छाएं नहीं है, ये चुनौतियां जो है राज्य नहीं चाहता है, उसको जो है केंद्र सरकार उस पर दबाव बनाए, लाभ पहुंचने दो भाई, क्या चाहते हो, कब तक किसान आत्महत्या करेगा, कब तक वो भूखे सोएगा, कितनी बड़ा दुर्भाग्य है। पूरे लोगों को, पूरे विश्व को भोजन देने वाला व्यक्ति रात में भूखा सोता है, फसल पैदा होते ही बिक जाती है और कर्ज भी पूरा नहीं होता है, सोचिए कैसे वह जीवन जीता है, मजदूरी भी करना पड़ता है किसान को, समझिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, राज्यों को अपनी इच्छा लानी चाहिए, राज्य यहां पर नहीं क्यों चाहता इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह समवर्ती सूची का विषय बन जाता है। अच्छा, निष्कर्ष, भले ही संविदा कृषि के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, परंतु इन चुनौतियों का उचित प्रबंधन कर संविदा कृषि को अपनाया जाना चाहिए, जो बात मैं कह रहा हूं आपको। इस प्रणाली पर किसान फसल विविधता की ओर प्रेरित होता है तथा कृषि में निवेश करते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली में बाजार जोखिम से भी सुरक्षा मिल जाता है और किसानों के लिए हितकारी है। संविदा कृषि को सही प्रकार से लागू करने की जरूरत है, कुछ योजनाओं को, क्योंकि कल आज नहीं तो कल, जो मेरी बात सुन रहा है, आप एक बड़े और ईमानदार आईएएस अधिकारी बनेंगे और प्रशासन चलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। केवल जो लोग बैठे हैं बड़े पदों पर वही चला पाते हैं, आपको चलाना है प्रशासन, ठीक है। तो आप अपनी ईमानदारी की पेन जो है बढ़िया से चलाना, आप ये ध्यान रखना कि जो सबसे दूर व्यक्ति बैठा है क्या आपके पेन चलाने पर उसको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप देखिएगा आपके सारे निर्णय सही दिशा में काम करेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, इसको आप अपनाइएगा सिलेक्शन के बाद। खैर, अभी तो आप मेंस दे रहे हैं, इसके बाद आप इंटरव्यू देंगे तब आप सिलेक्ट होंगे। हम चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, कोशिश करते हैं कुछ और बातें आपको समझा पाए। तो ये प्रश्न मैंने आपको बताया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको इसको सुनना चाहिए, और आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लोक ऋण के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं ये अगले प्रश्न में। लोक ऋण रजिस्ट्री क्या है, आप जरा इसको समझिएगा, ये इकोनॉमिक टर्म है, बैंकिंग टर्म है, हम इसको आपको समझाने का पूरा प्रयास करने वाले हैं, इस क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। तैयार हैं आप, आइए देखते हैं। लोक ऋण रजिस्ट्री की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, टर्म है लोक ऋण रजिस्ट्री, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मैं बताने का प्रयास कर सकता हूं, आपको समझाने का मैं प्रयास कर सकता हूं। टर्म है लोक ऋण रजिस्ट्री, लोक ऋण रजिस्ट्री, टर्म को याद करो, ठीक।
यहां पर यह मत समझो कि तुम जो है किसी ऋण लेने जा रहे हो, कोई रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो। पहले टर्म को याद करो, टर्म है लोक ऋण रजिस्ट्री। पब्लिक जो ऋण है, जहां देखो एक व्यक्ति को जो पैसे की जरूरत पड़ती है कई तरह से पड़ती है, व्यक्ति कई लोगों से पैसा ले सकता है उधार। उधार लेना कौन सी गलत बात है? आप उधार लेते हैं तो एक तो आपसी मित्र यारी दोस्ती में लेते हैं, अगर किसी को लेते हैं तो उसको देते भी हैं, एक तो उधारी का प्रक्रिया है। दूसरा यह है कि आप किसी से ब्याज से पैसा लेते हैं, जैसे आप साहूकार से पैसा ले लिए ब्याज पर, तो जब फसल आपकी कीमत मान लीजिए हो गई तो आप जाकर के उसको देते हैं साहूकार को, या कुछ ब्याज पर पैसा लेके आए, मुथूट फाइनेंस से पैसा उठा लिया अपना गोल्ड लोन लेकर के आए। पैसे की जरूरत कभी ना कभी जीवन में सबको बनी रहती है। नहीं आपके पास पैसा, सरकार के पास जाइए, सरकार आपको पैसा देगी। बैंक है, दुनिया भर के बैंक है, बैंक कैसे चलते हैं? अगर बैंक ऋण ना दे तो बैंक चले नहीं। बस बैंक को एश्योर्ड कर दो कि तुम वही जर्मन व्यक्ति हो कि जो तुम उसका पैसा लौटाओगे, बैंक आपको पैसा दे देगा। आप देखिए फिक्स डिपॉजिट में तुरंत भाग के देता है, ले जाओ भैया ऋण ले जाओ, अब ऐसे चले जाओ 100 चक्कर मारते हो तब भी आपको बड़ा मुश्किल से मिलता है। खैर ये ऋण और उनका डर, इस सारी चीजों का समाधान इस शब्द में है, लोक ऋण रजिस्ट्री में इन सारे संशय का समाधान है। यह बताएगा कि पैसा दो, कोई डरने की बात नहीं है। यह व्यक्ति जो खड़ा है यह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, बहुत ही सिद्धांत का पक्का व्यक्ति है, और वो कैसे बताएंगे? वो नहीं बताएंगे, अगर आप हैं तभी बता पाएंगे। प्रॉपर आपका पेज बताएगा, जब पेज खुलेगा तो दिख जाएगा कि अमुक व्यक्ति बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति है, इसको पैसा दिया जा सकता है, और यह एक अच्छा बिजनेसमैन है। आपका अकाउंट बताएगा, सब कुछ पारदर्शिता हो जाएगी। यह पारदर्शिता कैसे होगी, आइए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। लोक ऋण रजिस्ट्री की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारत में लोक ऋण रजिस्ट्री की अवधारणा एवं उसके लाभों को रेखांकित कीजिए। इस प्रश्न देखिए कहां आया है, संघ एवं उत्तर प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से लिया गया है और समसामयिक मुद्दों पर भी सरोकार रखता है। इस बात को हमें समझिएगा, हम यहां पर आपसे बात कर रहे थे, आपको ध्यान देना चाहिए। आइए जरा इस बात को समझते हैं। देखिए लोक ऋण रजिस्ट्री ठीक है, अब इसकी अवधारणा को हम समझेंगे, इसकी आवश्यकता क्या है इस पर हम बात करेंगे, इसके लाभ को हम समझेंगे। इसमें तीन पॉइंट है, पहले हम समझें कि लोक ऋण रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा हम ये समझें कि इसकी जरूरत क्यों है, और तीसरा हम ये समझें कि इसका लाभ क्या है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों एक एक करके मैं आपको इसके आंसर पर पूरी तरह से अपनी बात को रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाएंगे। सबसे पहली बात है, एक टर्म है एनपीए, नॉन प्रॉफिटिंग अकाउंट। एनपीए क्या है? बैंक कहते हैं कि रात दिन लगातार एनपीए बढ़ता जा रहा है, यानी जो पैसा दिया वो डूब गया, वहां से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, एनपीए बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस बात को समझिएगा, गवर्नमेंट दबाव में आती जा रही है। ठीक है, ऋण बढ़ता चला जा रहा है। आइए इस बात को समझते हैं, देश में बढ़ती गैर निष्पादन परिसंपत्तियां, गैर निष्पादन परिसंपत्तियां, और यहां पर समझिएगा एनपीए की पृष्ठभूमि तथा देश में एक सरल तीव्र एवं पारदर्शी ऋण संस्कृति बनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यशवंत एम देवस्थली समिति का गठन किया गया। इस कमिटी का नाम याद रखिएगा, ये बड़ा जो है ये महत्वपूर्ण है, यशवंत एम देवस्थली समिति, यशवंत एम देवस्थली समिति द्वारा इसका गठन किया गया। समिति द्वारा भारत को एक लोक ऋण रजिस्ट्री, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के गठन की संतुष्टि की गई। आइए समझते हैं लोक ऋण रजिस्ट्री, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। पहला क्या है, देश के भीतर लिए गए संपूर्ण ऋणों से संबंधित सूचनाओं का केंद्रीय डाटाबेस हो, इस बात को समझिएगा। एक सेंट्रल डाटाबेस तो हो, पता तो चले कि यह कौन व्यक्ति, आमुक व्यक्ति कहां कहां से ऋण ले रहा है, उसका एक सेंट्रल डाटाबेस हो। प्रबंधन कौन करेगा, यह प्रबंधन सीधा रहेगा आरबीआई के हाथ में, किसी बैंक के हाथ में नहीं, सीधा आरबीआई के हाथ में दीजिए। आवश्यकता, अधिक जमानत की मांग से बचाओ, जैसे आप जब जाते हैं ऋण लेने के लिए आपको बैंक ऋण क्यों दे, समझिएगा इस चीज को, कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, रिजर्व बैंक का रहा दे दो ना, है सिविल स्कोर ठीक, अरे दो भैया 750 के ऊपर चल रहा है इसका सिविल स्कोर, क्यों रोक रखा है, गाइडलाइन करेगा
850 सिविल स्कोर है, 900 आपको पता होगा, 300 से लेके और 900 के बीच सिविल स्कोर होता है, और 750 के ऊपर अगर सिविल स्कोर आपका अच्छा है तो बैंक क्यों मना करेगा। और देखिएगा पीछे की हिस्ट्री की, आपने जिनसे पैसा लिया भी है आपका स्कोर उसके हिसाब से आपको पैसा क्यों रोकेगा, आपको पता है कि आपका पैसा डूबने वाला नहीं, कोई जमानत की जरूरत नहीं है। ऋण संस्कृति को प्रोत्साहन, प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सीधा आप गवर्नमेंट आपको पैसा दे रहे भाई, ठीक है। गैर निष्पादन संपत्तियों से बचाओ, समझ रहे, एनपीए का चक्कर नहीं रहेगा, ऋणों की वास्तविक स्थिति की जानकारी पता भी रहेगा कि आप कहां कहां से लिए हैं, बजाज फाइनेंस आपको पैसा दिया है, कैपिटल फर्स्ट आप जिसको आप बोलते हैं आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक से आपने पैसा लिया है, विभिन्न बैंकों से लिया है, पर्सनल लोन आपने लिया है, कार लोन आपने लिया है, होम लोन आपने लिया है, कृषि ऋण आपने लिया है, कहां कहां से पैसा ले रखा है और उसकी पूरी जानकारी रहेगी। ध्यान रखना किसके पास, एक तो आपके पास होगी और दूसरा जो आपको पैसा देने जाएगा उसके पास उस बात की जानकारी रहेगी, और सारा डाटा प्रोवाइड कौन करवा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सोचने की कोई बात नहीं है। जोखिम युक्त ऋणों से बचाओ, ऋणदाता के स्वविवेक के आधार कम, ठीक है, स्वेच्छाचारिता एवं कदाचार का जोखिम कम, ये सारी चीजों की आवश्यकता की पूर्ति करता है ये। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं अगला पॉइंट इसमें क्या है, इसका लाभ देखते हैं। लाभ, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हो गई ना भाई, पता चल गया ना, क्रेडिट हिस्ट्री देख के पता चल गया आपने कितना पेमेंट टाइम से किया है, कितना आपने लेट पेमेंट किया, सब हिस्ट्री वहां पर है। तथ्य आधारित ऋण निर्णय, गैर निष्पादन संपत्तियों कमी, सभी को साख, सबके लिए है, कैसा कैसा नहीं कि अमुक व्यक्ति के लिए अमुक व्यक्ति, सबके लिए है, इस बात को समझिएगा। नीति निर्माण हेतु सूचनाओं की उपलब्धता, पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलिए, लोक ऋण रजिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पीसीआर, देश के भीतर लिए गए संपूर्ण ऋणों से संबंधित सूचनाओं का एक केंद्रीय डाटाबेस है, सेंट्रल डाटाबेस है, क्योंकि आपको बताया कि आरबीआई इसको देखती है। इसका प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक के पास किया गया है। भारत की सभी कर्जदाताओं एवं कर्जदारों को अपने लिए दिए गए कर्जों का विवरण कानूनी रूप से अनिवार्य लोक रजिस्ट्री को उपलब्ध भी कराना होगा। जब आप किसी से पैसा लेंगे या देंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या करना है वो बताना पड़ेगा। और ठीक है, कोई भी हितधारक या करदाता जब चाहे इस डाटाबेस से करदारों के कर्ज संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यहां से जो आपको पैसा दे रहा है वह पूरी जानकारी भी आपको के बारे में पता कर सकता है। लोक ऋण रजिस्ट्री की अवधारणा, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट, कर्जदारों के लिए, कर्जदारों के द्वारा लिए गए ऋणों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त न हो पाने के कारण ऋण बाजार में पारदर्शिता का अभाव होता है और जोखिम युक्त ऋण स्वीकृत किए जाने का जोखिम बना रहता है। बिल्कुल ठीक, अगर ऐसा व्यक्ति जो पैसे लेकर के खा करके डूब पैसे को डूबो दिया, बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, एक का क्रेडिट कार्ड खत्म, उस पैसा उठा दूसरे से बनवा लिए, तो आप इस बात को समझिएगा, यह जोखिम जो डूबने वाला है वह व्यक्ति जो पैसा केवल क्या करे डूबा रहा है, ऐसे व्यक्ति को आगे से पैसा नहीं देना, यहां से पता चल जाएगा। और पर्याप्त सूचना की प्राप्ति में ऋण प्रदाता को स्वविवेक का अधिकार मिल जाता है, जिससे ऋण स्वीकृति में समय कदाचार का जोखिम बना रहता है। ये बात आपके समझ में आ गया होगा। व्यवहार में अपर्याप्त सूचना के कारण रसूखदार व्यक्ति चाहे वह दागी क्यों न हो आसानी से ऋण प्राप्त कर लेता है, जबकि सामान्य उद्यमी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इससे समावेशी ऋण का लक्ष्य दूर की कौड़ी ही बन जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, जो दागीदार व्यक्ति है, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, वो जाता है बैंक को जो है अपने रिसोर्सेस से, अपने संबंधों से पैसा ले लेता है, लेकिन जब वहां पर दिखाएगा कि नहीं यह व्यक्ति जो है यह पैसे को खा जाता है, गबन कर जाता है, तो उसको कौन पैसा देगा, समझिएगा। तो इसलिए हमने यहां पर लोक ऋण की व्यवस्था कर रखी है, लोक ऋण रजिस्ट्री की व्यवस्था कर रखी है। आगे देखिए, अगला पॉइंट देखिए, ऋण लेने वाले व्यक्ति की वास्तविक स्थिति की जानकारी न होने पाने का सारा पॉइंट हो गया। हाँ ठीक है, ऋणदाता संस्था आवश्यकता से अधिक जमानत की मांग करती है, इस ऋण संस्कृति नकारात्मक रूप से भी प्रभावित होती है। समग्रता से कहा जाए तो ऋण सूचनाओं के अभाव गैर निष्पादन संपत्तियों में वृद्धि के मूल में है, इस बात को आपको समझना चाहिए। ठीक, ये सारा पॉइंट क्लियर है। आइए देखते हैं लोक ऋण रजिस्ट्री से लाभ क्या होगा। लाभ ही लाभ है भाई, पहला, एक केंद्रीय डाटाबेस ऋण सूचना प्रणाली ऋण बाजार में पारदर्शिता लाएगी, जिससे एक तो सभी लोगों को ऋण तक पहुंच बढ़ेगी और दूसरी ओर इसके आर्थिक कदाचार में कमी आएगी। सही व्यक्ति के पास पैसा पहुंचेगा, सही दिशा में पैसा लगेगा, सही तरीके से देश का विकास होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एक रुपया आता है और आप उस पैसे को बढ़ाना जानते हैं, तो समझिए कि सही हाथों में विकास है।
वही बात हो रही है, वही व्यक्ति तो पैसा क्या करेगा, लौटा पाएगा, और जो लेके एक रुपया वो भी खा गया तो वो कैसे ला करके फिर आगे उसको क्यों हम पैसा दें, तो यहां से पता चल जाएगा। बैंक ऋण स्वीकृति के समय विश्वास पूर्वक निर्णय ले पाएंगे, सही बात है, बैंक के पास एक डाटाबेस है, वह विश्वास आप पे कर पाएगा, ठीक है। और वही एनपीए जो है कमी आ जाएगी। सूचनाओं की उपलब्धता से बैंक कर्मचारियों के निर्णय में वास्तुनिष्ठता का समावेश होगा और उन्हें जवाबदेह बनाएगा तथा इससे उनकी स्वेच्छाचारिता पर भी लगाम लगेगी। साख का सृजन जब उद्यमी व्यक्तियों के साख का व्यवहार के आधार पर होने लगेगा तो रसूखदार लोगों को प्राथमिकता देने की संस्कृति जाती रहेगी। इससे छोटे उद्यमी ऋण प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे और ऋण वितरण अधिक समावेशी हो जाएगी। समझिएगा, इससे बड़ा ही लाभ होगा, सबके हाथ में पैसा जाएगा, जरूरतमंद लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, दागदार लोग बाहर हो जाएंगे, तो लाभ ही लाभ है। नीति निर्धारकों हेतु सूचनाओं की उपलब्धता मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता में वृद्धि करेगी। देश के हित और सशक्त मौद्रिक नीति का निर्माण किया जा सकेगा। समग्र रूप से लोक ऋण रजिस्ट्री सभी के लिए समान कारोबारी माहौल बनाएगी और अंततः तीव्र आर्थिक विकास को अंजाम देगी। बिल्कुल सही बात है, जिस पर देखिए हम शुरू से हम प्रश्न के पहले ही लाइन से इस बात पर हम जोर दे रहे थे। हमने आपको बताया, हमने आपको समझाया कि देखिए जहां पर यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है पैसा ऋण किसको दिया जाए, तो ऋण उसको दिया जाए जो पहली बात ऋण लौटा सके, दूसरी बात जिसको जरूरत है, तीसरी बात कि हम दागदार लोगों को पैसा नहीं देंगे, गबन करने वाले लोगों को पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हम उनको पैसा दें जिनसे हमें लाभ हो और उनको पैसा दें जिनको सच में जरूरत है और जो इसको डेवलप कर सकते हैं, जिनका सिविल स्कोर ठीक है, वह सारी चीजों के आधार पर अगर पैसा दिया जाएगा तभी इकोनॉमिक क्या करेगी, डेवलप करेगी। इस बात को आप समझिएगा। तो यह कॉन्सेप्ट था लोक ऋण रजिस्ट्री का, जिसको मैंने बड़े आराम से बड़े सही तरीके से आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सीरीज बड़ी पसंद आ रही है, जैसा कि आप लोगों ने लगातार उत्साहवर्धन किया है, आपने बताया है कि सर जो है बहुत अच्छे से इन सारी कॉन्सेप्टों पर हम लोग समझ पा रहे हैं, एक एक चीज जो आपके बताने का समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही, आप सभी लोग लगातार लाइक कर रहे हैं और लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे ही हम लोग जो है चीजों को और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। तो जो भी आपके समझ साथ में जो भी लोग हैं उन तक इन चीजों को बताएं कि हाँ अगर आपको अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत है तो एस कुमार सर की क्लास को न भूलें। लगातार यूट्यूब पर मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और हमेशा करंट अपडेट के साथ आप तक प्रश्नों को पहुंचाता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं, ठीक है, धन्यवाद बच्चों।